इस वेले की वड्डी खबर आ रही है 26 जनवरी नू दिल्ली दे विच लाल किले ते हुई हिंसा दे दोषी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू नू कोर्ट दे वल्लों वड्डी राहत मिल गई है। दस दईए कि दीप सिद्धू नू दिल्ली दी 30,000 अदालत तो जमानत मिल गई है। उसनू 30,000 रुपए दे निजी बॉन्ड ते जमानत दिती गई है। इस दे नाल ही दस दईए कि इस तो पहला सोमवार नू अदालत ने इस फैसले नू राखवां रख्या सी। इस तो पहला सुनवाई दौरान दीप सिद्धू दे वकील ने अदालत विच कहा सी कि महज हाजरी लाउणा उस दे मुवक्कल नू गैर कानूनी तरीके नाल भीड़ इकट्ठी करन दे दोष नहीं लाउंदा अते ओह ईमानदार नागरिक है जो विरोध प्रदर्शन विच शामिल सी। उधर दिल्ली पुलिस दे पेश होए सरकारी वकील ने दावा किया कि सिद्धू ने हिंसा नू अंजाम देण अते तिरंगे दा अपमान करन दे उद्देश नाल विरोध प्रदर्शन विच हिस्सा लिया सी। गैर कानूनी तरीके नाल लोकां नू इकट्ठा करन विच दीप सिद्धू दी अहम भूमिका सी। हुण दीप सिद्धू दी जमानत मिलन तो बाद दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नू इक वड्डी जित दस्या है अते सब नू वधाई भी दित्ती है। मैं सब नू बहुत वधाई दिंदा दीप सिद्धू जो कि पिछले कुछ दिनों तो जेल अंदर सी किसानी संघर्ष दे चलदे उसकी अज जमानत लोअर कोर्ट ने एक्सैप्ट कर ली। माणयोग अदालत ने अज जो उन्होंने फैसला सुनाया उन्होंने हक अंदर मैं बहुत धन्यवाद करदा है उन्होंने एडवोकेट अभिषेक गुप्ता जी का उन्होंने भरा सरदार मनदीप सिंह जी का और दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एडवोकेट सरदार जसप्रीत सिंह जी राय साहब का। बहुत लंबी मुशक्कत तो बाद जमानत हुई है। दिल्ली पुलिस ने पूरा जोर लगाया तरलो मच्छी हो रहे थे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP क्राइम सब बैठे हुए थे कोर्ट के अंदर VC के दौरान कि किसी तरीके जमानत रद्द होवे पर मैं उस अकाल पुरख का धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का कोटान कोट शुकराना करदा है जो ये अज दीप सिद्धू जमानत हुई। शाम को दीप सिद्धू अज जेल तो रिहा होएगा।